वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। ये सब आप संगत किसान भरा वीर गाजीपुर बार्डर से बैठे हाँ, तो कई दिनों तो बैठे हाँ। ये लंगर की सेवा जो चल रही है, ये निरंतर चल रही है। सब लोगों जो भी इतने आया है, सबका ही संयोग है। ये लंगर की सेवा, कार सेवा पूरी वाले श्री अमृतसर संत बाबा कश्मीर सिंह, उन्होंने अस्थान जो यूपी के जिला मुजफ्फरनगर के है, उतों सारिया संगत मिल के ये लंगर का प्रबंध रात दिन निरंतर चल रहा है। लंगर तरह तरह के लंगर है, पकौड़िया का, जलेबिया का, रसगुल्लिया का। इत्थे कोई मुश्किल नहीं है। ये मोदी जी जो ये बात को मानना चाहिए उन्हें कि जो लोग इत्थे बैठे आ वो जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होंगे, इतों ये लोग उठणगे नहीं। जब तक लोग बैठे रहेंगे तब तक ये लंगर रात दिन चलते रहेंगे। लंगर की कोई कमी नहीं है, क्योंकि गुरु नानक दी पूरे दुनिया से पूरे विश्व से ही बड़ी कृपा है। गुरु नानक साहब की जो 20 रुपये उन्हों की कमाई का लंगर है, उन्होंने 20 रुपये की बरकत है जो अज सारी संगत रल मिल के छक रहे हैं। खाओ पियो रल मिल भाई, टोट ना आवे वधदी जाई। ये रल मिल खाण ना टोट नहीं आउंदी, वधदा जांदा है। ये गुरु नानक का खजाना ऐसा वा, ये शुरू कर जे ये चौना शुरू हो जाता वा। गौरमेंट का खजाना ऐसा भी शुरू हो जाए तो उस निकलना शुरू हो जाता। इस करके लंगर जो है ये रात दिन चलते रहेंगे जब तक दुनिया की मंग नहीं पूरी हो रही। तो मोदी जी ने बात को मानना चाहिए है, अपना नुकसान कर रहा, उसमें फायदा भलाई है कि जनता की बात सुन के जो जनता की मांग उन्हें मान के पूरी करे, आप भी सुखी रहे तो जनता भी सुखी रहे। जब तक नहीं मानेगा जब तक लोग जाएंगे नहीं। मारी इतनी बेनती है, वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह।